सनातन आस्था की पौराणिक नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के बीच कुदरत की एक बेमिसाल रचना मौजूद है, जहां सृष्टि के निर्माता, पालक व संहारक अविचल खड़े हैं। सावन का पवित्र महीना परवान पर है। बाबा के भक्त महादेव को रिझाने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में आज आपको महादेव के एक ऐसे अनूठे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां प्रकृति स्वयं बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करती प्रतीत होती है। घोरपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के तट पर सुजामन देव मंदिर स्थित है। यहां का प्राकृतिक दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खान इलाहाबाद का सूबेदार था। उसने सन 1645 में मंदिर को ध्वस्त कर एक 21 फीट व्यास की बैठक का निर्माण करवा दिया था। बाद में इस स्थान पर हिंदुओं ने फिर अधिकार कर लिया व मंदिर का निर्माण कर महादेव की एक प्रतिमा स्थापित करवा दी। इस इलाके के पौराणिक कथाओं के जानकार पंडित रामचंद्र शुक्ला के मुताबिक सुजामन देव मंदिर के बारे में दंत कथा प्रचलित है कि यहाँ पर यम द्वितीया के मौके पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। उस समय खुद की मेहमान नवाजी से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन यमुना को वरदान दिया कि भाई दूज के मौके पर जो भी यमुना में स्नान करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही वजह है कि सुजामन देव मंदिर और यमुना तट पर मेला लगता है। लोग स्नान के बाद यमुना के किनारे दीपदान करते हैं।